सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुरभि शर्मा और आज आप सभी को मैं मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ध्यान लगाना ज़रूरी क्यों है, आइए जानते हैं। ध्यान यानी फोकस, जहाँ आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, फ्लक्चुअल होती रहती है आपकी एनर्जी। अब आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक किसी सक्सेस को लेके, फाइनेंशियली लेके, या किसी रिलेशन को लेके, या किसी का माइंड परसेप्शन को लेके, या किसी भी, ऑल दीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम कभी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और वो हम अपने बॉडी के 7 चक्र, आई मीन जो मैं आपके रूटीन 7 सेक्शन जो चल रहे हैं उनके थ्रू आप अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ सकती हैं आपको, एंड आपकी एनर्जी का लेवल आप खुद जब आप करेंगे ये सब ट्राई तो आप खुद देखेंगे कि आपको अंदर से इतना अच्छा फील होगा। रियली मतलब मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं एक्सरसाइज योगा आई कांट सॉरी, बट मैंने स्टार्ट किया और आज मुझे 5 या 6 डेज ही हुए हैं और रियली मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मुझे इतना अच्छा फील होता है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मुझे खुद को मतलब खुद कितनी हैप्पीनेस कि हाँ जितनी टेंशन है, जितनी प्रॉब्लम्स है, सब एक तरफ लगती हैं और सब के हाँ यार लाइफ में आप आए हो, खुल के जियो, मुस्कुरा के जियो और बिंदास जियो, ठीक है। और सॉर्ट आउट होती जाती हैं अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, आप जैसे मेडिटेशन करोगे आपके माइंड एंड आपकी एनर्जी बहुत सारी चीज़ें सेक्चुअल होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इमेजिनेशन करते हैं, ओके इमेजिनेशन में हम चाहते हैं हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो इन सब के लिए मेडिटेशन इज़ परफेक्ट। मतलब हम अपनी इमेजिनेशन बहुत दूर तक ले जाते हैं, बट ले जाना और खुद को रियलाइज़ होना, खुद को अनुभव होना, मतलब जो आप आई कांट एक्सप्रेस कि आप जहाँ पहुँच पाते हो ना, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ आप पहुँच जाते हो। आई फील मतलब मैं अब महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ एंड मैं आज के एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ कि मैं आज अपने महादेव से मिली। मतलब महादेव लाइक मेरे लिए रियली मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह है कभी महादेव से कनेक्टेड होंगी या मैं उनको फील करूँगी या मतलब लाइक आपको मैं समझा नहीं पा रही हूँ तो मेरे वर्ड से, और ये सब सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप जो इमेजिनेशन करते हैं वो आप रियल महसूस कर सकते हैं। और ये सब सतीश सर की वजह से, थैंक यू सो मच सर कि मैं इतना सोच पाई हूँ, और मतलब रियली मैं कभी इन सब पे बिलीव नहीं करती थी, बट हाँ आपके फोर्स से और एंड आपके बहुत एक्सीलेंट वर्क से ना सर, थैंक्स डीपली ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच।